नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट 2019 को। बहुत ही बड़ा समिट था, दुनिया भर से वर्ल्ड लीडर्स यहां पे इकट्ठा हुए। देखेंगे यहां पे कौन आया, पार्टिसिपेशन किस कंट्री की थी, चाइना का यहां पे रुख क्या था और एक मैप को लेकर कुछ कॉन्ट्रोवर्सी थी, उसमें क्या हुआ। सो काफ़ी कुछ यहां पे जानने को है, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं विदाउट पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com पे, और यू कैन कॉल दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी परस्पेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर जीएस मेंस पेपर 2 अंडर सबसेक्शन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो रिसेंटली अप्रैल 2019 को चाइना की राजधानी बेजिंग में हुआ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समिट। ये दूसरा समिट था, इससे पहले जो पहला समिट था वो 2017 में हुआ था। अब 2017 का जो समिट था, मैं कहूँगा काफ़ी आलिशान था, काफ़ी बड़ा था। उसके कंपैरिजन में ये समिट थोड़ा सा छोटा लगा, जो पार्टिसिपेशन थी वो भी कुछ हद तक कम थी, मगर ओवरऑल यहाँ पर बहुत बड़ी डील साइन हुई। टोटल यहाँ पर $64 बिलियन की डील साइन हुई बिटवीन वेरियस कंट्रीज। ऑफ कोर्स सारी जो डील्स थी ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर ही साइन हुई, और बहुत से वर्ल्ड लीडर्स भी यहाँ पे आए थे। टोटल आप अगर देखें तो 125 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन थी इस पूरे समिट में, और 37 वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे मौजूद थे इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। नाउ वर्ल्ड लीडर्स की अगर हम बात करें तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, उसमें जो काफ़ी खास नाम है वो है इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी, इथोपिया के प्रेसिडेंट अबी अहमद, ग्रीस, हंगरी और इटली के प्राइम मिनिस्टर। इटली आई एम श्योर आपको पता होगा, पहला G7 कंट्री है जिसने BRI इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। ये मैं कहूँगा वेस्टर्न कंट्रीज प्राइमरली USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है कि अब एक G7 कंट्री BRI इनिशिएटिव का पार्ट बन चुका है और आने वाले टाइम में मोस्ट प्रॉबली बहुत ही बड़े लेवल पर उधार लेगा फ्रॉम चाइना। इंडिया की जो आसपास की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप देखो तो नेपाल के जो प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पर मौजूद थे, उसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ पर थे। इमरान खान का मैं कहूँगा एक डिप्लोमेटिक फेलियर भी हुआ था। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी कि इस BRI समिट के दौरान एक बायलैटरल हो जाए बिटवीन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने काफ़ी कोशिश करी मगर ये समिट हो नहीं पाया, और इसको अभी पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी कवर कर रहा है कि इट वॉज़ अ डिप्लोमेटिक फेलियर फॉर पाकिस्तान। उसके अलावा फिलीपींस के प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुतर्ते भी यहाँ पे मौजूद थे, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी यहाँ पर थे, उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना ने अपना यहाँ पर डिप्लोमेटिक जो क्लाउड दिखाया है कि उनके पास कितनी डिप्लोमेटिक पावर है, उसको दिखाते हुए उन्होंने आसियान जो देश हैं, 10 आसियान जो कंट्रीज़ हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, उनमें से जो 9 कंट्रीज़ हैं उनके जो हेड्स हैं उनको बुला लिया सिवाय इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया अकेला कंट्री था जिसके प्रेसिडेंट को यहाँ पे इनविटेशन मिला, मगर प्रेसिडेंट ने यह समिट अटेंड नहीं किया। इंडोनेशिया की तरफ से उनके वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर गए। क्या इंडोनेशिया यहाँ पे कोई मैसेज सेंड कर रहा है? वेल, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ तो मैं 100% ये कह नहीं सकता कि इंडोनेशिया यहाँ पे नाराज़ है या कोई मैसेज सेंड कर रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत जल्द इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो हो सकता है कि उनके प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्शन के लिए बिजी हो, रैलीज कर रहे हों। तो मैं 100% कह नहीं सकता कि इंडोनेशिया ने यहाँ पे मैसेज भेजा है या फिर जेन्युइनली इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर बिजी थे। अब इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे मौजूद थे मगर दो बहुत ही बड़े नाम यहाँ पे मिसिंग थे, नरेंद्र मोदी इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर एंड USA प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। USA ने इंटरेस्टिंगली इनफ पूरे समिट को ही यहाँ पर ऑलमोस्ट बॉयकॉट सा ही कर लिया था। USA ने कोई रिप्रेजेंटेटिव भी अपनी तरफ से नहीं भेजा। 2017 में USA की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आया था मगर इस बार वो भी नहीं दिखा। इंडिया ने तो ऑफिशियली कह रखा है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बॉयकॉट कर रहे हैं, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, विच इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो हम इस पूरे प्रोजेक्ट को नहीं मानते। एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि सिंस मैंने ये कहा है कि व्लादिमीर पुतिन और इमरान खान की मीटिंग नहीं हो पाई और इसको पाकिस्तान में एक डिप्लोमेटिक फेलियर के रूप में एनालाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस ख़राब हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं कहूँगा आने वाले टाइम में आप देखेंगे, मैं काफ़ी वीडियोस लेके आऊँगा,
जिसमें बहुत ही मैसिव डिफेंस डील्स कवर होंगी बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया। जी हाँ, अभी जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत ही बड़ी डील्स की बात चल रही है अबाउट एयर डिफेंस सिस्टम्स एंड एंटी टैंक मिसाइल्स, और उसके अलावा T-90 टैंक्स की भी एक डील की बात चल रही है बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान। तो ऐसा नहीं कि कंट्रीज़ के रिलेशंस ख़राब हैं, बट मुझे बस अजीब लगा कि यहाँ पे मीटिंग क्यों नहीं हुई। मे बी देयर माइट बी सम अदर रीज़न। खैर ये तो था यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स का इशू। अब एक कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी इस समिट के दौरान, द मैप कॉन्ट्रोवर्सी। अब देखो, ये समिट बहुत बड़ा था, वर्ल्ड लीडर्स आए यहाँ पर, मीटिंग्स हुई और ये स्पीचेस दिए गए कि हमारा ये विजन है, इकोनॉमी को ऐसे लेकर जाएंगे हम, इस तरीके से BRI के अंडर काम करना चाहते हैं। वेरियस कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पे विचार शेयर किए। उस दौरान क्या था कि एक चाइनीज़ जो गवर्नमेंट ऑफिस की वेबसाइट है, वहाँ पर ये मैप प्रेजेंट कर दिया गया और ये समिट के दौरान भी दिखाया गया। अब ये जो मैप है आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा प्रो इंडिया है, क्योंकि जो चाइना का वर्जन है इंडिया के मैप का, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि अक्साई चिन जो है इसको चाइना का पार्ट दिखाते हैं, अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट दिखाते हैं, और ये जो यहाँ पर ये रीजन है इसको कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है। तो सिंस इन्होंने एक ऐसा मैप दिखा दिया जो बिल्कुल ठीक है, जो लेजिटिमेट है, जहाँ पर इंडिया की जो एक्चुअल ज़मीन है, जो इंडिया का लेजिटिमेट लैंड है, इसको दिखाया गया है, तो वर्ल्ड मीडिया ने काफ़ी यहाँ पर इसको कवर किया और ये इंडिया में रिपोर्टिंग ऐसे होने लग गई कि ये इंडिया की कूटनीतिक जीत है कि हमने BRI को बॉयकॉट कर लिया और चाइना को मजबूरी में ऐसा मैप पोस्ट करना पड़ा। बट ये मैं आपको बता दूं, ये हमारी कोई जीत नहीं थी, ना हमने कोई ये अपनी पावर से करवाया था। जहाँ तक दिख रहा है, ये कोई वहाँ पर एम्प्लॉय की गलती थी कि उसने ये वाला मैप वहाँ पर पोस्ट कर दिया था, और कुछ ही दिन बाद ये जो मैप है ये वहाँ से रिमूव कर दिया गया था। इसकी जगह जो दूसरा मैप है, जहाँ पे चाइना जो मैंने टेरिटरीज मार्क कर रखी है उसको अपना या फिर डिस्प्यूट दिखाता है, वो वहाँ पे शोकेस कर दिया गया था। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे किसी छोटे लेवल के ब्यूरोक्रेट की गलती हुई होगी, और ये कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया की कोई कूटनीतिक जीत थी या फिर इससे चाइना कोई मैसेज सेंड कर रहा था। अब यहाँ पे मैं कुछ मिनट्स के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेसिकली है क्या, और चाइना ये सब कर क्यों रहा है। ये इतने बड़े बड़े समिट्स, वर्ल्ड लीडर्स को यहाँ पर बुलाना, उनको उधार में पैसे देना, इन्वेस्टमेंट्स करवाना, डील्स करवाना, इसमें चाइना का बेसिक फ़ायदा क्या है। आई एम श्योर आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में काफ़ी सुना होगा, StudyIQ में आपको वेरियस वीडियोस इसके बारे में मिल जाएगी। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ORoB सेम ही है। ये एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट। इससे ये चाहती हैं कि दुनिया में कनेक्टिविटी बढ़े, ये ऐसा कहते हैं कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया में ट्रेड बढ़े, प्रॉस्पेरिटी बढ़े, खुशहाली आए, और चाइना से जो सारी कंट्रीज़ हैं ये कनेक्टेड रहे, तो चाइना का जो एक्सपोर्ट है इससे ये काफ़ी हद तक बढ़ेगा। आज के समय अगर हम बात करें तो टोटल 152 कंट्रीज़ BRI का पार्ट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये आपके सामने नक्शा है जो मैंने एरो में कंट्रीज़ को मार्क कर रखा है। ये मेजर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने BRI को ज्वाइन नहीं किया। इसमें USA, UK, फ्रांस, जापान, इंडिया आते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे है, इन्होंने भी BRI को ज्वाइन नहीं किया। बाकी आप अगर देखोगे तो रशिया BRI का पार्ट है। उसके अलावा अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ ने BRI को ज्वाइन कर रखा है। पाकिस्तान तो है ही बिकॉज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे साउथ अमेरिका में भी कुछ कंट्रीज़ हैं, वेनेजुएला जो है वो BRI का पार्ट है। उसके अलावा श्रीलंका आप देखो, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया के जो सारे नेबर्स हैं दे आर पार्ट ऑफ BRI। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है बेसिकली एक प्रोजेक्ट का गुच्छा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंडर आते हैं। कितने प्रोजेक्ट हैं BRI के अंडर, देखिए जो प्रिसाइज नंबर है ये कैलकुलेट कर पाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर दूसरे महीने ये 3-4 प्रोजेक्ट घोषित कर देते हैं। अब तक अगर हम देखें तो हज़ारों प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर इन सारी नीली कंट्रीज़ में किए जा रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट हैं बहुत बड़े हैं, जहाँ पर बिलियंस की इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहाँ पे चाइना की कंपनीज काम कर रही है, वहाँ पे उस कंट्री की सरकार को उधार देते हैं वो, और फिर वहाँ पे अगर मान लो कोई हाईवे बनाना है, कोई एयरपोर्ट बनाना है, कोई पोर्ट बनाना है, कुछ वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करना है, तो वो सब चाइना अपने फंड से करवाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट हैं बहुत सारे हो रहे हैं, और इनमें से जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप कह सकते हैं, एक तो ग्रीस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ये वैसे
इकोनॉमिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है ग्रीक हार्बर ऑफ पिराइस। ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत ज़रा प्रॉफिटेबल हो गया है। एक टाइम पे ये जो वर्ल्ड के कंटेनर पोर्ट की लिस्ट है उसमें 93rd की लिस्ट पे था, आज के टाइम में 38th की लिस्ट पे है 2017 का अगर हम डेटा देखें। उसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका प्रोजेक्ट है ईस्ट कोस्ट रेल लिंक ECRL, ये मलेशिया और थाईलैंड को कनेक्ट करता है। अब रिसेंटली क्या हुआ, मलेशिया ने ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया था, फिर चाइना ने इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट कटिंग करी उसके बाद मलेशिया ने ये प्रोजेक्ट साइन कर लिया। फिर एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो आपको बताया जहाँ पे ग्वादर से लेकर चाइना का जो कश्मीर रीजन है उसको कनेक्ट किया जाएगा। तो उसमें बहुत सी चीज़ें बन रही हैं, वहाँ पे रेलवे लाइन, वहाँ पे पावर प्लांट, सड़कें, ये सब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जा रहे हैं। उसके अलावा इथोपिया में बहुत ही बड़ा एक ईस्टर्न इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं। तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और इनमें से ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं 99% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बेसिकली चाइना से उधार लेके बनाए जा रहे हैं। अब एक आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है तो चाइना यहाँ पे उधार बांट रहा है, मगर चाइना यहाँ पे उधार इतने क्यों बांट रहा है? देखिए, इसका एक मैं कहूँगा मल्टी डायमेंशनल आंसर है। चाइना को यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट होगा इस पूरे इनिशिएटिव से। पहली बात तो देखो, कई कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर BRI में चाइना से उधार नहीं ले रही, मगर वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसको सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल जापान का आप केस ले लो, जापान ने चाइना से उधार नहीं लिया, मगर तब भी वो एक तरीके से आउटसाइड सपोर्ट देते हैं BRI को, क्योंकि उनको पता है कि BRI की वजह से आसपास कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उससे जापान का बिजनेस भी इम्प्रूव होगा। तो आप अगर देखें तो इतनी सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चाइना डेवलपमेंट करवा रहा है, उनको लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। हालांकि जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे फेल भी हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइना ने लोन दे दिया और वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो ज़रा महंगा पड़ रहा है, सरकार वहाँ पे अब कर्ज़े में आ रही है, वो केसेस भी हैं, उससे चाइना को बदनामी मिल रही है। मगर काफ़ी ऐसे एग्जांपल भी हैं जहाँ पे जो प्रोजेक्ट है टाइम पे कंप्लीट हो गया, उससे चाइना को वहाँ पे गुडविल मिलती है, तो कल को वो कंट्री चाइना के पक्ष में UN में वोट कर सकता है या फिर कहीं और चाइना का समर्थन कर सकता है, तो इससे चाइना का इन्फ्लुएंस तो 100% बढ़ता है। उसके अलावा देखो, चाइना के पास फंड्स बहुत सारे हैं, मगर सिंस चाइना की जो GDP है इसमें स्लोडाउन दिख रहा है, तो इनको बाहर की जो मार्केट्स है वहाँ पर डेवलपमेंट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर मान लो अफ्रीका में ये पोर्ट बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, बंदरगाह बनाते हैं, तो कल को जो चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ तक पहुँच पाएंगे, चाइनीज़ बिजनेसेस वहाँ का जो पोटेंशियल है उसको टैप कर पाएंगे। ये चाइना की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना फैलना चाहता है और ज़रा एक्सपेंड करना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आसपास का रीजन भी वेल कनेक्टेड हो, तो ही चाइना की जो मैसिव GDP है उसको वो सस्टेन कर पाएगा। तो इन द लॉन्ग रन ये चाइना के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाइना इससे और मार्केट्स एक्सप्लोर कर पाएगा। फिर उसके अलावा देखो, बहुत से जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर चाइना युआन का इस्तेमाल करवा रहा है, तो इससे युआन का यूजेज इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है, और युआन का रोल एज एन इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी ये भी काफ़ी हद तक अप्रिशिएट होता है। फिर चाइना की अगर हम बात करें तो BRI के अंडर जो CPEC प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे जो चाइना की डिस्पैरिटी है ग्रोथ को लेकर, चाइना का आप अगर जो मैप देखोगे तो उनका जो वेस्टर्न पार्ट है वो बहुत ज़रा कम डेवलप्ड है, ये वाला जो पार्ट है चाइना का यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़रा कम है, वेरियस जो इनका यहाँ पर जापान के करीब का जो पार्ट है, जो इनका ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। मेन जो इनकी सिटीज़ हैं शंघाई, बीजिंग, उसके अलावा गांजाओ, ये सारी आपको इसी तरह मिलेगी। तो क्या है कि इस पूरे इनिशिएटिव के थ्रू चाइना अपना जो वेस्टर्न पार्ट है इसको भी डेवलप कर सकता है, इसमें ऑफ कोर्स चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो ये वेरियस रीजंस हैं वाई ये पूरा प्रोजेक्ट, ये पूरा इनिशिएटिव चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने ऑब्वियसली सिंस ये जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, इसलिए इसको बॉयकॉट कर रखा है, और ये चाइना के लिए काफ़ी ख़राब है। अगर इंडिया BRI को ज्वाइन कर लेता है तो ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा फॉर चाइना, मगर इंडिया एक मैसिव मार्केट होते हुए भी अभी तक BRI को ज्वाइन नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से चाइना के जो बाकी मैसिव प्लान्स थे अब वो धीरे धीरे रुक रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 2019 में अभी इनका ये समिट हुआ है उसमें चाइना ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को अब ड्रॉप कर दिया है, उसका मेंशन अब इस बार इन्होंने नहीं किया, अब लग रहा है कि वो ऑलमोस्ट कैंसल है। ये प्रोजेक्ट है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर।
ये एक प्रपोज प्लान था कि चाइना का जो एक रीजन है, चाइना का जो वेस्टर्न रीजन है, साउथ वेस्टर्न रीजन, वहाँ पे एक शहर है कुनमिंग, इसको कनेक्ट करेंगे म्यांमार के मैंडाले से, उसके बाद ये ढाका से कनेक्ट होगा और फिर फाइनली कोलकाता से कनेक्शन होगा, यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पर एक बुलेट ट्रेन बनाने की भी बात चल रही थी और काफ़ी यहाँ पे हाई कनेक्टिविटी की बात चल रही थी, मगर सेंस इंडिया ने ऑल टुगेदर BRI को बॉयकॉट कर रखा है। चाइना को मजबूरी में ये BCIM कॉरिडोर को भी अब ड्रॉप करना पड़ा, इसकी जगह अब ये फोकस कर रहे हैं चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर पर, उसके अलावा नेपाल चाइना ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क पर, और ऑफ कोर्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC पर। तो ऑल टुगेदर हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, क्या BRI समिट 2019 का सक्सेसफुल था? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि ये सक्सेसफुल है, क्योंकि 2017 का जो समिट था उसके हिसाब से ये काफ़ी हद तक हम्बल था। और चाइना ने इस समिट के दौरान एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट आई है फ्रॉम देयर प्रेसिडेंट, वो स्टेटमेंट ये है कि चाइना अब बहुत ही ध्यान से कंट्रीज़ को उधार देगा, ये ध्यान रखा जाएगा कि वो उतना ही उधार रिसीव करे जो वो वापस कर पाए, जो चाइना ने पहले बात नहीं बोली थी। तो चाइना ऑब्वियसली आज के टाइम में प्रेशर फील कर रहा है, बहुत से कंट्रीज़ ने अपना यहाँ पर ओपिनियन दिया है रिगार्डिंग BRI और ORP, और वो ओपिनियन ज़रा ठीक नहीं है। तो चाइना जानता है आज के टाइम में कि अगर BRI को सक्सेसफुल बनाना है तो बाकी कंट्रीज़ के जो यहाँ पे कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना होगा। बट मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से चाइना चाहता था कि BRI आगे बढ़े, वैसे आगे ये बढ़ रहा है, इट स्टिल हैज़ अ लॉट ऑफ इशूज़। हियर फॉर द टाइम बीइंग दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, ये था एनालिसिस BRI समिट 2019 का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।